सो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम उदमान और आप देख रहे हैं आपका अपना जंगो इंसान। और मैंने अपने घर में थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी चेंजिंग कर ली है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस कैसा लगा मेरा घर सरप्राइज? तो आज हम फार्मिंग करेंगे और कोई बैल बकरियाँ पालेंगे। तो मैं आपको अंदर से भी अपना घर बताता हूँ। ये मेरा ये रूम है, क्राफ्टिंग टेबल में पल ये वहाँ पे पड़े हुए हैं। और वन यार खुल जा। और इस रूम में चेस्ट पड़े हुए हैं, चेस्ट खाली है भी। ये बढ़ेंगे सारे, भरे हुए होंगे कुछ दिन ऐसे आएंगे। और हम एक घर में यहाँ पे ऊपर भी थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ली है, चेस्ट रख दी है और यहाँ पे शीशे थोड़े ज़्यादा कर लिए हैं। और नहीं तो कैसा लगा आपको मेरा घर? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन का आइकन भी प्रेस कर दें। तो आज हम फार्मिंग करेंगे। फार्मिंग के लिए सबसे पहले हमें थोड़े बहुत बीज चाहिएंगे। तो मेरे को जब भी ये देखें थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। जब मेरे को बीज मिलता है तो मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस रात भी हो गई है और मुझे अभी तक सिर्फ 6 बीज मिले हैं बहुत ढूंढने के बाद। तो सुबह आती है फिर हम ढूंढते हैं। तो गाइस अभी हम सो चुके हैं, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जाते हैं थोड़े बहुत बीज कलेक्ट करने। बीज भी नहीं मिल रहे मुझे तो यार ये एक मसला है। ये देखो एक मिल गया कितने टाइम बाद। हमने दोबारा बीज मिल गए, चलो इसी उगा के थोड़ा काम गुजारा करते हैं। जब ये बड़े होंगे तो इससे भी हमारे को कुछ बीज मिल जाएंगे। जब तक फिर हम गाय बकरियाँ भी ले आएंगे। प्ले से बंद करो। और क्राफ्टिंग टेबल ओपन करो। यहाँ से हम थोड़ी सी स्टिक्स बना देते हैं। ये खेती बाड़ी वाला वो भी बना देते हैं। चलो अभी जाते हैं खेती बाड़ी करने। खेती बाड़ी हम घर के इस साइड पे करेंगे। मेरा जो आयरन था मेरे से गलती से लावा में गिर गया। मैं थोड़ा बहुत उधर गया था केव में तो मेरा आयरन उधर लावा में मैं गिर गया था तो मेरा सब कुछ उधर गिर गया। फिर मैंने अपना घर बनाया थोड़ी बहुत। फिर हम जाएंगे तो आयरन ढूंढ के लाएंगे। चलो ख़त्म हो गए हैं बीच। अभी जब तक ये उगते हैं हम कुछ करते हैं। दरख्त काट गए थे, दरख्त तो बहुत है लेकिन हमारा केव कहाँ पे था? जिसमें ये रही हमारी केव, इसके अंदर जाते हैं थोड़े बहुत को। गाइस मैं कोपल स्टोन थोड़े जमा करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम थोड़े बहुत कोबल स्टोन तोड़ दिए, ये भी तोड़ देते हैं। कोबल स्टोन से हम
क्या करते हैं, कोबल स्टोन की हमें चीज़ें मिलती है जिससे फिर हम कोबल स्टोन वाली चीज़ें बना सकते हैं। गाइस आयरन, ओ अभी घर जाना होगा, फिर आयरन एक स्टोन की पिकैक्स बना के आते हैं, फिर ये आयरन तोड़ेंगे तो मैं स्टोन की पिकैक्स बना के आता हूँ। गाइस मेरी पत्थर की पिकैक्स बन गई स्टोन की, अभी हम जाते हैं अपने केव में। केव इसे थोड़ो डाटा में अपनी वापस मिल गई, यहाँ पे आयरन था इसे तोड़ते हैं। नीचे भी आयरन है बहुत सारा, ओह माय गॉड इतना ज़्यादा आयरन। आयरन भी तोड़ दिया, थोड़ा बहुत कोल ऐसे भी तोड़ दे है। सारा कोल तोड़ के मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने आयरन तोड़ दिए, अभी हम ऊपर चढ़ते हैं वापस, और सॉरी कोल भी तोड़ दिए, अभी थोड़ा बहुत कोबल स्टोन कलेक्ट करते हैं फिर अपने घर जाएंगे। हम एक कोबल स्टोन जनरेटर भी बना देंगे जिससे हमारा एक फ़ायदा होगा, हमें कोबल स्टोन के लिए किसी केव में नहीं जाना पड़ेगा। एक बकेट बन जाए, फिर मेरे को एक लावा पता है जिसमें मैं गिरा था तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, तो हम उधर से लावा लेके कोबलस्टोन जनरेटर बना देंगे। तो पहले सारे चलो अभी चलते हैं घर पे वापस, रात भी हो चुकी है, रात भी हो चुकी है, अभी ऊपर जाने का भी एक ख़तरा है, तो जब तक ऊपर वाली इस केफ को बंद कर दो। केफ को भाई मैंने बंद कर दिए, अभी थोड़े बहुत कोबल स्टोन कलेक्ट करते हैं। कोबल स्टोन कलेक्ट कर रहे थे, फिर अपने घर पे वापस जाएंगे। तो गाइस बहुत तोड़ फोड़ कर ली है हम लोगों ने, हर जगह पे सुरंगें बना दी है, अभी देखते हैं सुबह हुई है या नहीं हुई, अल्लाह करे सुबह हुई हुई हो। तो गाय हाँ सही है, सुबह हो चुकी है, तो अभी हम ऊपर चढ़ते हैं। डट कहाँ गई हमारी वाली, इसे यहाँ रखो, 1 2 3 4 पे हमने डट उठा लिए। भागो भागो भाई अपने घर की तरफ भागो, हमारा फार्म भी बड़ा होएगा, खेत सॉरी। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो अभी हम थोड़े गाय भैंस को मार के आते हैं क्योंकि मेरा खाना बहुत कम है और अभी हम कभी भी मर सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक बकरी है जिस पर हम अभी हमला बोलने वाले, भाग जा बकरी भाग जा, भागने का नहीं, भागने का नहीं, इस टाइम मेरा पेट का सवाल है,
ये मार डाला। जब मेरा पेट का सवाल होता है ना, नहीं भागा करो, अभी रुक जाओ, अभी मेरा पेट का सवाल है, भागना नहीं। जा बच्चू, तू भी अपनी जी ले, तुझे छोड़ देता हूँ। ओ माय गॉड, तट वो क्या है गाइस, इस गेम में टर्टल भी होते हैं क्या? वाओ, इसको मार दूँ? मार दिया, भागो टर्टल को। भाई मैं तुझे मारूँगा, भागने का नहीं, भागने, इनको मारेंगे, इनसे क्या मिलता है देखते हैं। कहाँ भागेगा? ओ फिर ऊपर चढ़ गया। ये रहे। मारो। ओ भागो, ऊपर हो। चलो अभी अपने ही घर जाते हैं, छोड़ो इनको भी जीने देते हैं, इनकी ज़िंदगी घर पहुँच। तो गाइस मैं भी खाना कुक करता हूँ अपने दूसरे वाले फर्नेस में, और इससे ये कोल वापस निकाल लेते हैं और इस वाले में डाल लेते हैं। तो अभी ये अपना काम कर रहे हैं, हम अभी क्या करें, हमारा फार्म भी बड़ा नहीं हो रहा है। फार्म बड़ा होगा तो फिर अभी हम थोड़ी बहुत माइनिंग पे जाएंगे। पहले मेरे को पेट पूजा करनी है, इधर आओ। भागेगी नहीं, मैं मार डालूंगा, ऐसे भी तुझे मार खानी है। ये रे भाई, इनको जब तक काटेंगे आज। ये भागने का नहीं भाई, ब्रो भागने का नहीं, भागेगा नहीं। इधर आ बकरी, एक को मार दिए तो इसने देख के डर के भाग रही है। ये लावा में गिर जाएगी, इसी लावा में, इस लावा ने मेरे सारा सामान छीन लिया। भाया भाग जाओ ना, लावा में गिराऊंगा, भागेगी। इससे भी सामान ले लिया, ये लावा है जिसने मुझसे सारा सामान ले लिया था भाई ब्रो। तो चलते हो अभी हम अपने घर की तरफ जाते हैं। आपको मेरा घर कैसे लगा? मेरे को तो अपना घर बड़ा पसंद आया, आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में कर दें और कमेंट करें प्लीज़। मैं अभी वो बनाऊंगा कोबलस्टोन जनरेटर, फिर हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। यहाँ पर मेरा खाना कुक हो चुका है, शायद ना हो ही चुका है, शायद क्यों भाई। इधर नीचे आना, अच्छा ये भी कुक हो जाए। अरे ओ ना मरा, इधर आओ। ये क्या ब्लैक वूल है? तो अभी हमारा जो खाना कुक हुआ है इसको खा लेते हैं, वरना फिर तो तब्दीली आ जाएगी। थोड़ा सा रह गया, कच्चा ही खाने थे। ये हमारे आयरन इंगोट भी बन चुके हैं, इंगोट। अभी इससे हम बकेट बनाते हैं। नहीं बकेट तो अंदर से ही बनेगी। नहीं यार मैं पागल हूँ ना यार। गाइस कमेंट करें कि हम स्काई ब्लॉक की सीरीज भी स्टार्ट करें या नहीं। इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो हमारी स्काई ब्लॉक की होगी। तो अभी हम पहले बकेट बनाएंगे। तो अभी हम तो बकेट बनाते हैं, दो बकेट सही है ठीक है, और सारा आयरन इसमें डाल देते हैं। और जो हमारे पास सामान है उसे भी डाल लेते हैं, क्योंकि मैं लावा से बड़ा डरता, लावा में एक बार भी मैं गिर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि फिर गिर जाऊँ। चलो अभी चलते हैं।
अपना कोबलस्टोन जनरेटर बनाएंगे, फिर वीडियो का एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपनी ये फसल को हम पूरी करेंगे। हमारा लावा है इधर ही था, इसी लावे के पास ही कहीं कोबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं। लावा लिए इस वाले बकेट में है, फिर नहीं गिर जाऊं। इस वाले में वाटर लेंगे और अभी चलते हैं जहाँ पे हमें अभी कोबलस्टोन जनरेटर बनाना है, उधर चलते हैं, फिर अपना कोबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं और आप भी सीखना और हम भी सीख लेंगे। तो हम थोड़ा इस तरफ केव के पास कोबलस्टोन जनरेटर बनाएंगे इधर। तो सबसे पहले ये 2 यहाँ से करना है, फिर एक ब्लॉक छोड़ के 2 यहाँ से सुराख करना है और फिर इस वाली साइड पे ऐसे एक करना है, जिस साइड पे एक और सुराख करे उधर वाटर डाल लेना है, दूसरी वाली जगह पे लावा डाल दें और फिर उस साइड से भी एक तोड़ दें, इस साइड से भी। तो ये देखें हमारा कोल्डस्टोन जनरेटर तैयार हो गया है, वर्क कर रहा है सही से। तो अभी हम ये डट इसके ऊपर लगा देते हैं क्योंकि इस पर जलने का खतरा है। और ये वाटर वाली जगह पे लगा देते हैं। हमने वाटर वाली जगह पे भी लगा दिए डट। तो हमारे ये कोल्डस्टोन जनरेटर तैयार हो चुका है, तो इसके लिए मुझे जाना है पहले घर पे क्योंकि रात भी हो गई है और फिर मुझे बाहर नहीं गुजारना है, पहले हम सो जाते हैं, फिर सुबह आके हम कोल्डस्टोन जनरेटर की टेस्टिंग करेंगे, फिर इस वीडियो के एंड कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी फार्म को पूरा करेंगे। गुड मॉर्निंग, तो नीचे उतर जा। तो हमको पिकैक्स लेनी है और अपने बकेट को संभाल के रखेंगे कि यार ये तुझे किसने लगाया। तो हमारा बकेट हम इसमें रखेंगे, और इसमें डट डाल देंगे और एक न्यू पिकैक्स भी बनानी होगी हमें। न्यू पिकैक्स बनाते हैं, फिर हम आपको अपने कोल्डस्टोन जनरेटर की टेस्टिंग कराएंगे और फिर गुड बाय बोल देंगे वीडियो को। 2 बना दिए, कुछ रख देते हैं। चलो अभी हम कोल्डस्टोन जनरेटर की टेस्टिंग करने जाते हैं और फिर इस वीडियो को बाय बाय बोलते हैं। ठीक है, हमारा कोबलस्टोन जनरेटर सही से काम कर रहा है, ये लावा में गिर रहा है। हाँ कलेक्ट हो गया, देखें ये भी कलेक्ट हो रहा है, देखें कोबलस्टोन। तो गाइस हमारा कोबलस्टोन जनरेटर सही से काम कर रहा है और ऐसा कोबलस्टोन जनरेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर आपको मेरा घर और मेरा फार्म और मेरा कोबलस्टोन जनरेटर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन का आइकन को ऑल पे वो कर दें। गुड बाय।